हमारी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी समुदाय का विकास, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से है, और अब जैसा आपने कहा, मैं स्वयं उसी समाज में पैदा हुआ, वहीं से पला बढ़ा, और कैसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है ये स्वयं मैं अनुभव करके आया हूँ, उसे जी करके आया हूँ। और अगर ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो ये खुद को भी आगे ले जा सकते हैं, देश को भी आगे ले जा सकते हैं। और हमने इस समुदाय के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। ओबीसी जातियों को ओबीसी की केंद्र सरकार की सूची में शामिल करने या बाहर निकालने की ही सिफारिश करने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास बहुत ही सीमित अधिकार है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, हमने इस दिशा में प्रयास शुरू किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कांग्रेस की सरकारों में 20-20, 25-25 साल से ओबीसी समाज, ओबीसी एमपी, ओबीसी एमएलए ये मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सोचा तक नहीं। उनको क्या तकलीफ थी मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। हर बार उसमें रोड़े अटकाते रहे, समाज मांग करता रहा, और कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने से रोकने के लिए ही कांग्रेस ने संसद को चलने नहीं दी, और ये मैं गंभीर आरोप लगाता हूं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की दलित, आदिवासी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता को ये स्पष्ट रूप से उजागर करता है।